सब्सक्राइब कीजिए नवीन सोनी सर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ऑल इन वन वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2870 फोटोस्टेट मशीन की, जो कि 2870 फोटोस्टेट मशीन है IR। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको जो स्विच है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि ये वाला जो स्विच है जिसको अपन दबाते हैं तो यहाँ से ये जो मशीन है वो खुल जाती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अटकी हुई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि कई बार क्या होता है मशीन जो है इसमें कागज़ वगैरह जो है वो अटक जाते हैं और यहाँ से मशीन खुलती नहीं है। इस प्रकार से अपन ने इसको बटन को दबा भी दिया है फिर भी ये नहीं खुल पा रही है, टाइट हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कैनन IR 2870 फोटोस्टेट मशीन जो कि आपके सामने है। तो इसमें देखिए ये वाला जो गेट है ये खुल नहीं रहा है, जैसे कि अभी मैं इसको खोलूँगा तो देखिए अटक गया बीच में, स्विच दबाने के बाद भी अटक चुका है। तो दोस्तों ऐसी हालत में आप इसके साथ ज़बरदस्ती न करें नहीं तो ये टूट जाएगा, देखिए अटका हुआ है। तो ये कंडीशन दोस्तों जब भी आ जाती है तो आप पेचकस के माध्यम से इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप वो जगह देखिए जहाँ से मैं अभी खोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको एक साइड में नीचे की तरफ है एक पत्ती सी दिखाई दे रही होगी या कोई तार सा दिखाई दे रहा होगा मोटा सा। ये देखो नीचे जहाँ पर पेचकस की नोक है उसको दबाना है ज़ोर से, जैसे कि मैंने दबाया, देखो ये अब ये पूरा खुल जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ये है मेन लॉक, तो ये बिल्कुल से तार सा दिखाई देता है साइड से देखते हैं तो इसको बिल्कुल से ध्यान रखना है कि इसको पेचकस के माध्यम से धीरे से दबाना है, कई बार ये अटक जाता है। अब देखिए आराम से खुल रहा है, तो इसके साथ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती ना करें नहीं तो ये टूट जाएगा। ये एक बार टूटने के बाद में सही भी नहीं होगा और सारी मशीन जो है वो बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से इसको खोलिए। तो दोस्तों अभी देखिए मैंने इस गेट को दोबारा से खोलने की कोशिश की और ये देखिए आसानी से खुल गया है इस प्रकार से, क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वायर सा जो है ये अटक गया था और इसको खोलने के लिए अपने को पेचकस की सहायता लेनी पड़ी। तो दोस्तों इसके साथ आप कोई ज़बरदस्ती ना करें, आराम से इसको खोलिए। ये तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ये छोटे छोटे जो लॉक्स होते हैं आप देख रहे हैं, ये वाले छोटे लॉक्स होते हैं ये वाले होते हैं या ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार के दबरा है ये होते हैं टूट जाते हैं, तो बिल्कुल केयरफुल इसको खोलना चाहिए ध्यान से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।